गाजियाबाद सीट के MLC भी कांवड़ यात्रा पे निकले हैं। उनका कहना है कि इस बार वो भी कांवड़ लेने जा रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी। भाई साहब कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई दूंगा कि 2012 और 17 के बीच का जो टाइम रहा उस टाइम पे हमारे भोले बाबा जो आते थे कांवड़ लेकर के, उन पर DJ की प्रतिबंध लगाया गया, उनको परेशान किया गया। आज जो ये प्रदेश में और देश में राम राज की कल्पना हम लोगों ने की थी, आज वो राम राज हमारे देश और प्रदेश में पूर्ण रूप से है। आज हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हमने की थी, जो हमारी धर्म और संस्कृति विलुप्त हो चुकी थी, वो धर्म और संस्कृति दोबारा से उजागर होकर आई है, जनमानस तक पहुंची है। और सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक जीवन देने वाले मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य हमारे अमित अग्रवाल जी है, मैं उनका आशीर्वाद मेरे मन में था कि सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेकर के कांवड़ लेने जाऊंगा। आज मेरे पिता के रूप में मेरे बड़े भाई अमित अग्रवाल जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे बड़े भाई आदरणीय हरिकांत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो हम पूरे दलबल के साथ जा रहे हैं और कांवड़ लेकर के भोले बाबा की और भोले बाबा के रूप में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्पित करेंगे। तो ये पूरी कांवड़ यात्रा मिशन 2024 को लेकर, मिशन 2024 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण। कहा जाता है कि शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो आप कांवड़ यात्रा तो कर रहे हो, उसके बाद वैष्णो देवी भी जा रहा है। हाँ, उसके बाद में 14 तारीख की शाम को ही हमारा पूरा जत्था माता वैष्णो देवी जाएगा दर्शन करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पण करने के लिए। भक्ति भाव से माता वैष्णो देवी से संकल्प करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करें और देश में जो हिंदू राष्ट्र और सनातनी धर्म हमारा जो छिपा हुआ था उसको दोबारा से जनमानस तक पहुंचने का काम हुआ। जिस तरीके से हमारे प्रदेश में अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, अभी कृष्ण जन्म स्थली का जीर्णोद्धार हो रहा है, चित्रकूट हो रहा है, माँ विध्यवैष्णी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे धर्म के आस्था के प्रतीक हमारे जो वो देवी देवताएं थे उनको समर्पण के भाव से हम कांवड़ लेने जा रहे हैं।